बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अच्छे दिन को लेकर ऐसा कमेंट किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अच्छे दिन का वादा किया था, जिसे लेकर ही अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, कभी कभी अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जैसे ही अनुपम खेर ने ये लिखा, ट्विटर पर उनके ट्वीट पर काफ़ी रिएक्शन आने लगे। लोग उनके इस ट्वीट को नागरिकता कानून और NCR से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा अनुपम खेर ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, आज़ादी के नारे पर प्रहार करते हुए। इस वीडियो में उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। वीडियो में अनुपम खेर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि आज़ादी आज़ादी के नारे से वो लोग क्या कहना चाहते हैं। देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया था। इसके आगे उन्होंने कहा, अगर आपको मनुवादी से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी और जात पात से आज़ादी चाहिए तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन नारे लगाने से क्या होगा। उन्होंने कहा कि घर बैठे तो खाना नहीं मिलेगा, इसके लिए काम करना ही पड़ेगा। अनुपम खेर ने कहा है कि साल 1947 से 2020 तक लोगों ने काम किया, ये लोग कौन सी आज़ादी चाहते हैं। देश के लिए काम कीजिए, सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। काम कीजिए जो देश के करोड़ों युवा अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं, देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए। उन्होंने कहा है कि नारों से आज़ादी चाहने वाले लोगों का देश के प्रति सिवाय नारों के क्या योगदान है। आपको बता दें कि अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हर बार वो ट्वीट के जरिए अपनी बात फैंस के सामने रखते हैं। इससे पहले भी वह कई सेंसिटिव मुद्दों पर अपनी बात रह चुके हैं, जिसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।